हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला जो पीरियड है वो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसको कि एंग्लो सैक्सन पीरियड या फिर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। ये 450 से 1066 ईस्वी तक रहा था, 450 से 1066 ईस्वी ये इसका पीरियड रहा है। इस पीरियड से पहले यानी कि बिफोर 450 जो थे यहाँ ब्रिटेन में एक कैल्ट्स नाम की जो ट्राइब थी वो रहती थी, कैल्ट्स जिनको कि ब्रिटोन्स भी कहा जाता था, और इन्हीं के नाम पर कंट्री का नाम ब्रिटेन पड़ा था। उसके बाद क्या होता है कि 43 AD में रोमन्स ब्रिटेन में आते हैं, जूलियस सीजर जो था वो थे उनके कमांडर, जूलियस सीजर उनके कमांडर थे। अब जो रोमन्स जो कैल्ट्स में आए रोमन्स जो ब्रिटेन्स में आते हैं तो उन्होंने वहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने जो रूल किया था वो किया था 410 AD तक। उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी लैटिन, दे ब्रॉट क्रिश्चियनिटी यानी कि वे क्रिश्चियनिटी को ब्रिटेन में लेकर आए थे। अब क्या था कि जो पिक्ट्स थी, पिक्ट्स एक वाइल्ड पीपल थे, एक ट्राइब थी, वो अटैक कर रहे थे रोमन्स पर, यानी कि वो ब्रिटेन पर बार बार अटैक कर रहे थे, और उनसे बचने के लिए ही रोमन्स ने वहाँ पर एक वॉल बनवाई थी, हैड्रियन वॉल। इसके बाद क्या होता है कि रोम जो उनका अपना कंट्री थी, जो उनकी अपनी कंट्री रोम जहाँ से कि रोमन्स आए थे उन पर भी अटैक हो रहा था, और उन पर अटैक कर रहे थे विसिगोट्स। तो अपनी कंट्री को बचाने के लिए जो रोमन्स हैं वो वापस अपने कंट्री में चले जाते हैं, रोमन वेंट बैक टू देयर कंट्री। अब जो पिक्ट्स थे वो बार बार ब्रिटेन पर अटैक कर रहे थे, अब उन्होंने कैल्ट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया क्योंकि रोमन्स तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन जो कैल्ट्स थे नॉट एबल टू फाइट विद देम, वे उनके साथ लड़ नहीं पा रहे थे, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो उनसे लड़ सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थ्री ट्राइब्स, तीन जो जातियाँ थी एंगल सैक्सन्स और जूट्स, इनसे उन्होंने मदद मांगी। एंगल सैक्सन्स और जूट्स क्या हुआ, वो ब्रिटेन में आ गए, नॉर्दर्न जर्मनी से वे आए थे, और जो उनकी लैंग्वेज थी वो थी ओल्ड इंग्लिश। दे ड्रो अवे कैल्ट्स एंड बिगेन टू रूल ओवर ब्रिटेन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिक्ट्स के साथ तो युद्ध किया ही, लेकिन उन्होंने कैल्ट्स को भी धीरे धीरे करके उस राज्य से भगा दिया, और खुद जो है वो वहाँ पर रूल करने लगे, ब्रिटेन पर उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, और इन्हीं एंग्लो के नाम पर ही ब्रिटेन का जो नाम था वो इंग्लैंड पड़ा था। जूट्स जो है वो रिटर्न हो गए, यानी कि जूट्स तो वापस चले गए, लेकिन एंग्लो सैक्सन्स यहीं पर रह गए। अब एंग्लो सैक्सन्स ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटेन को 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये तो थी हिस्ट्री कि कैसे एंग्लो सैक्सन्स इंग्लैंड में आए, ब्रिटेन में आए, उन्होंने वहाँ पर राज करना कैसे स्टार्ट किया। अब बात करते हैं लिटरेचर की। हीरोइक पोइम्स वर कम्पोज, जो इस पीरियड में है सबसे ज़्यादा वो हीरोइक पोइम्स ही कम्पोज की गई, और जो क्या था यहाँ पे जो वर्क था वो मोस्टली ओरली था, यानी कि जो ये एंग्लो सैक्सन्स जो लोग थे वो क्या करते थे, वो ओरली ही पोएम्स को बोलते थे, वो रिटन वर्क ज़्यादा नहीं करते थे, और जो उनके पोएम्स में जो था वो एलिट्रेशन, सिमली और मेटाफर का यूज़ किया जाता था, राइमिंग स्कीम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उन्होंने एलिट्रेशन, सिमली और मेटाफर का यूज़ किया था। लिटरेचर के कुछ फेमस वर्क थी, तो सबसे पहले पर्सनल एंड एलिजिक पोएम्स। इस पीरियड में पर्सनल और एलिजिक पोएम्स भी लिखी गई थी, जिनमें सबसे पहली है विल्सिथ और द फार वॉन्डरर। इसमें 150 लाइंस हैं, और जो ये पोएम है ये एक ट्रैवलर की है, जिसमें जो ट्रैवलर है वो रिकाउंट्स करता है, बताता है द प्लेसेस को, अपने उन जगहों को और उन लोगों के बारे में जिसने कि वह मिला है। दूसरी है डोर्स लेमेंट। जो डोर्स लेमेंट्स है इसमें जो पोइट्स वो 42 लाइन की है, और जो पोइट है वो खुद को कंसोल करता है, बहुत सारे एग्जांपल देता है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं जितना कि वह कर रहा है, तो इसी बात के लिए वो अपने आप को सांत्वना देता है, कंसोल्स करता है अपने आप को। थर्ड है द वांडरर। वांडरर ये एक एलिजी है। फिर सी फेयरर। जो सी फेयरर है ये एक मोनोलॉग है बिटवीन एन एज्ड एंड ए यंग सेलर, यानी कि एक बूढ़े हो चुके और एक नवयुवक है जो सेलर नाविक के बीच में, जो कि डिस्कस करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सी फेयरिंग लाइफ के लिए का इट पैरल्स एंड अट्रैक्शन, यानी कि जो समुद्र की जो जीवन है, फेयरिंग जो लाइफ है, इसका जो पैरल्स है और जो इसका अट्रैक्शन है, इसके बारे में आपस में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है द वाइफ्स कंप्लेंट। ये द वाइफ कंप्लेंट्स में क्या है कि एक यंग वाइफ है जो मौन करती है हर सेपरेशन, यानी कि जो अपनी जुदाई पर रो रही है, थ्रू फॉल्स टंग फ्रॉम हर बिलव्ड ही हैज़ एक्साइल्ड हर इनटू द वाइल्ड वुड, जो कि उसका बिलव्ड था उसने उसे बाहर निकाल दिया है, वाइल्ड वुड में उसे भेज दिया है, इसलिए वह मौन कर रही है, वो यानी कि वह रो रही है। नेक्स्ट है द हस्बैंड्स मैसेज। जो हस्बैंड्स मैसेज है ये इसी का सीक्वल है, जो थी ना द वाइफ्स कंप्लेंट, इसका सीक्वल है द हस्बैंड मैसेज। नेक्स्ट द र्यूनबर्ग। जो द र्यूनबर्ग है इसमें क्या है, मूंस द वैनिश्ड ग्लोरी ऑफ ए र्यून सिटी, यानी कि एक सिटी है जो र्यून हो चुकी है, उसकी जो वैनिश्ड ग्लोरी है उसके ऊपर मौन किया जाता है, उसके ऊपर दुख व्यक्त किया जाता है। इट इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ बाथ
विच वॉज सेक्ट एंड बर्न बाई कैवेलिन आफ्टर द बैटल ऑफ ड्योब्रम इन 577 यानी कि 577 ईस्वी में जो ड्योरबैम का जो बैटल हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें जो कैवेलिन थे उन्होंने एक सिटी थी बात उसको क्या कर दिया था, बर्न कर दिया था, उसको जला दिया था। अब बात करते हैं वार पोएम्स और बैलेट की, जो इस लिटरेचर में इस पीरियड में जो वार पोएम्स वो लिखी गई, जैसे द फाइट ऑफ फिन्सबर्ग, इसमें 48 लाइन्स हैं और ये क्या डिस्क्राइब्स करती है, डिस्क्राइब्स करती है एक सरप्राइज नाइट अटैक को ऑन ए हेल। द फाइट कंटिन्यूड फॉर 5 डेज, ये जो फाइट है ये 5 दिनों तक चलती रही थी और इसको ये डिस्क्राइब करती है। सेकेंड है द बैटल ऑफ बर्नेबर्ग, जो ये बर्नेबर्ग का बैटल था इसमें क्या है, चैंट्स द प्रेस ऑफ एथेलस्टन किंग ऑफ वेसिक्स एंड मर्सिया, जो वेसिक्स और मर्सिया का जो राजा था एथेलस्टन, इसकी प्रेज में ये लिखी गई है पोयम। द बैटल ऑफ मेल्डन, इसमें 300 लाइन्स हैं। द पोयम नैरेट्स द बैटल बिटवीन द डेनिशन पेराट्स एंड अल बायरनथोन ऑफ मेल्डन, जो ये पोयम है ये किसके बीच में, जो अल थे बायरनथोन ऑफ मेल्डन के और डेनिशन पायरेट्स जो थे उनके बैटल के बीच में जो बैटल हुआ था उसको नैरेट्स करती है। और जो वो द अर्ल थे वो डाइड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पेंटा, यानी कि वो पेंटा जो रिवर थे उसके बैंक पर मर गए थे। द रिडल्स, वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन पोएम इज ए कलेक्शन ऑफ रिडल्स, यानी कि जो एंग्लो सैक्सन पोएम्स में जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है तो वो है द रिडल्स। द ओल्ड इंग्लिश रिडल्स आर इमेजिनेटिव एंड पिक्चरेस्क, जो ओल्ड इंग्लिश रिडल्स होती थी वो इमेजिनेटिव होती थी और पिक्चरेस्क होती थी। द एपिक पोएम, जो इस पीरियड में एपिक पोएम लिखी गई वो क्या थी, बीवोल्फ। बीवोल्फ एक ग्रेट एपिक थी जिसमें 3182 लाइन थी, नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी इसको कहा जाता है। जो ये पोएम है ये नरेट्स करती है द एडवेंचर्स ऑफ ए गैलेंट बीवोल्फ, यानी कि बीवोल्फ जो थे उनके एडवेंचर्स के बारे में ये पोएम है। हु पुट्स 3 ड्रैगन्स और मॉन्स्टर टू डेथ, यानी कि जिसने 3 ड्रैगन्स और मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर है, इनको मार दिया था। इन इस फाइनल बैटल विद ए ड्रैगन, और जो इनका लास्ट जो बैटल था एक ड्रैगन के साथ, ही रिसीव्ड ए मोर्टल वाउंड, तो उसमें एक मोर्टल वाउंड उन्हें मिला था, घायल हो गए थे। द पोएम कंक्लूड्स विद द फनल ऑफ द हीरो, और जो ये पोएम है ये हीरो के फनल पर कंक्लूड होती है, ख़त्म होती है। ये सबसे जो बीवोल्फ है ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। वोल्डेयर 68 लाइन्स की पोएम है जो नैरेट करती है द एक्सप्लॉइट्स ऑफ ए फेमस बर्गेंडियन हीरो, एक बर्गेंडियन हीरो के फेमस जो एक फेमस बर्गेंडियन हीरो थे उसके कार्यों को जो है नैरेट करती है। अब बात करते हैं प्रोज वर्क की, जो इस हालांकि जो ये पीरियड था इसमें प्रोज वर्क बहुत ही कम लिखे गए, जो ज़्यादातर जो है इसमें पोएम्स ही लिखी गई, लेकिन फिर भी एक एक्लिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये जो इंपॉर्टेंट राइटर एक वेनरल बैडे से द्वारा लिखे गए थे, वेनरल बैडे ने ये वर्क लिखा था, और जो ये वर्क है इसी वर्क से हमें पता चलता है एंग्लो सैक्सन की हिस्ट्री के बारे में, कि एंग्लो सैक्सन कैसे इंग्लैंड में आए और उन्होंने कैसे वहाँ पर रूल किया, तो इसी वर्क से वो सब हमें पता चलता है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, ये जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स वर्क है ये ड्यूरिंग एल्फर्ड द ग्रेट के जो राजा थे, एल्फर्ड द ग्रेट जो एक ग्रेट राइटर भी रहे हैं, उनके राज्य के दौरान ये शुरू हुआ था। फेमस राइटर, जो इस पीरियड के जो फेमस राइटर थे वो कौन कौन थे, कैडेमन एंड सैनवुल्फ, ये जो दो राइटर थे कैडेमन एंड सैनवुल्फ ये फेमस राइटर थे। दे वर द टू रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, यानी कि वे ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के दो रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स थे। एज कैडेमन वॉज डिवाइनली इंस्पायर्ड ही कंपोज्ड ओनली रिलीजियस पोएम, जो कैडेमन थे वो डिवाइनली इंस्पायर्ड थे इसलिए उन्होंने केवल रिलीजियस पोएम ही लिखी है। जैसे कि पैराफेरिस, जो पैराफेरिस है इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क, उनका जो ग्रेटेस्ट वर्क है उनमें से एक है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ जेनेसिस एक्सोडस एंड ए पार्ट ऑफ डैनियल टोल्ड इन ग्लोइंग एंड पोएटिक लैंग्वेज, यानी कि इसमें किस किस स्टोरी है, जेनेसिस की, एक्सोडस की एंड ए पार्ट ऑफ डैनियल की, इसे बहुत ही ग्लोइंग और पोएटिक लैंग्वेज में बताया गया है। जो दूसरे जो राइटर थे सैनवुल्फ वो भी एक ग्रेट राइटर थे और एंड ए पोइट ऑफ जेनुइन पावर। द ओनली साइंड पोएम ऑफ सैनवुल्फ आर, जो सैनवुल्फ की साइंड पोएम है वो क्या है, द क्राइस्ट जुलियाना एलिन एंड द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, इसके अलावा जितनी भी पोएम्स लिखे वो अनसाइंड है। किंग एल्फर्ड द ग्रेट, ये एक महान राजा भी रहे हैं और एक ग्रेट राइटर भी रहे हैं। द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इन्हें कहा जाता है, द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इन्हें कहा जाता है। आफ्टर डिफेंडिंग द डेन्स किंग एल्फर्ड एम्ड एट इम्प्रूविंग द लैमेंटेबल स्टेट ऑफ इंग्लिश लर्निंग, यानी कि जब इन्होंने डेन्स को डिफीट कर दिया था और जब ये राजा बने थे तो इनका जो एम था वो था इंग्लिश लर्निंग की जो स्टेट थी, यानी कि जो इंग्लिश लर्निंग इंग्लैंड में उसकी जो स्टेट अच्छी नहीं थी उसको इम्प्रूव करना ही इनका एक एम था। इन्होंने खुद भी ही बिगेन टू लर्न लैटिन, यानी कि इन्होंने खुद भी जो है लैटिन लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दिया। क्यों?
सो डैट ही माइट टू ट्रांसलेट द वर्क्स डैट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल टू हिज प्यूपिल, यानी कि जिससे कि ही माइट बी टू ट्रांसलेट, वो ट्रांसलेट कर सके द वर्क्स, उन वर्क्स को जो कि इन उसकी प्रजा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले थे। ही एनकरेज लर्निंग इन हिज किंगडम, उन्होंने जो है अपनी किंगडम में लर्निंग को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया था। हिज ट्रांसलेशंस आर आल्सो हिज अबाइडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, उनके जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में उनके ट्रांसलेशंस हैं। अमोंग हिज इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन आर, जो उनके इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है उनमें कौन कौन से, पेस्टोरल केयर ऑफ पोप ग्रेगोरी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ओरिसियस, ये जो है इनके इंपॉर्टेंट जो ट्रांसलेशन वर्क है उनमें से रहे हैं। हिज अनदर इंपॉर्टेंट वर्क इज हैंडबुक, एक हैंडबुक भी उनका इंपॉर्टेंट वर्क है, विच कंटेन्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बाइबल एंड द फादर, यानी कि जिसमें कौन किस किस कंटेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है जो बाइबल से और फादर से ले गए हैं। और ये जो अल्फ्रेड द ग्रेट थे, इन्होंने ही कहा था कि जो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में दी जानी चाहिए, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में जो है प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, ये इन्होंने ही कहा था।